दोस्तों मैं मनायन शर्मा, मेरे साथ जो आशीष। दोस्तों आज हम लोग आए हैं तलातल घर में। तो तलातल घर का निर्माण राजा राजेश्वर सिंघा ने 1751 से 59 के बीच में करवाया था, और ये उनका महल था। अहोम राजाओं का ये महल है जो कि अभी कहीं से टूट गया और अभी बहुत कुछ बाकी है। इसमें कहा जाता था कि ये 3 तल ऊपर था और बाकी इसका 5 तल नीचे था, धरती के नीचे, तो इसलिए इसे तलातल घर कहते थे। तो आज हम लोग आए हैं आप लोग के लिए वीडियो बनाने, और हम लोग चलते हैं ऊपर, देखते हैं जो जो दिखेगा आप लोग को दिखाते हैं, कैसा महल है, क्या है, सब कुछ आप लोग को बताते हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, और आइए हम लोग चलते हैं अभी ऊपर तलातल घर में। इन सीढ़ियों से अभी हम लोग ऊपर जाएंगे और ऊपर का दिखाते हैं आपको कैसा क्या है। ये ऊपर एक मंदिर है, मंदिर नहीं, पुराने जमाने में मंदिर था, अभी तो शायद खाली हो गया एकदम। ये महल के अंदर ये मंदिर आप देख सकते हैं दोस्तों। ये कुछ लोग बोलते हैं इसमें शायद गुफा भी था या क्या था पता नहीं, लेकिन ये उस जमाने का महल में स्थित एक मंदिर है जो कि महल के अंदर था। तो ये छोटा सा एक मंदिर आम राजाओं ने महल के अंदर बनाया था। इधर कुछ काम चल रहा है तो इधर बंद है। अभी हम लोग इस रास्ते से ऊपर जाएंगे और आपको दिखाते हैं कैसा होता था। ये देखिए ऊपर नक्काशी वगैरह बना हुआ है पूरे महल में, और ये पता नहीं क्या था, रूम था क्या था, सब देख सकते हैं। अभी यहाँ से सूर्य साइड से जो कि जल्दी दिखता नहीं, अभी यहाँ से हम लोग ऊपर, अभी हम लोग ऊपर की ओर जा रहे हैं। यहाँ से चढ़ोका से देखिए आप छत दिखता है। तलातल घर के ऊपर हम लोग अभी आ चुके हैं। ये नीचे का व्यू देखिए आप लोग, इसका छत बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा। अभी इधर हम लोग चलते हैं।
ये जो पीछे तालाब दिख रहा है इसमें ये शाही तालाब हुआ करता था, पीछे का तालाब शाही तालाब हुआ करता है, इसमें शायद रानी वगैरह स्नान करती थी। और अभी आपको नीचे दिखाएंगे। पता नहीं ये क्या है, इसका प्रमाण नहीं मिल पा रहा है कि क्या था। चारों तरफ झरोखे लगे हुए हैं, ये देखिए, और इधर छत है। तो ये झरोखों से हम लोग आए हैं जहाँ पे हम लोग आसानी से बैठ भी सकते हैं ऐसे। और यहाँ से बाहर का व्यू है, बहुत ही खूबसूरत नजारा है अहोम राजाओं के द्वारा बनाया हुआ। आइए आपको बाहर दिखाते हैं। ये देखिए बाहर जो ये आप नीचे देख रहे हैं, नीचे की ओर ये एक तरह से भूलभुलैया टाइप का है, जिसमें भी हम लोग आपको लेके चलते हैं और दिखाएंगे वो कैसा भूलभुलैया है। तो आइए नीचे चलते हैं। तो अभी हम लोग ये जो इस जगह पे है, ये रानी का बाथरूम हुआ करता था यहाँ पे। और ये जो ऊपर आप देख रहे हैं, यहाँ से पानी गिरता था, यहाँ से पानी गिरता था और इस पोजीशन में रानी नहाया करती थी इसी में यहाँ पे। ये देखे बाथरूम जो है ये चारों तरफ से झरोखा था छोटा छोटा, और इसमें आने का दरवाजा था बहुत छोटा था, मतलब बहुत झुक के आना पड़ता था, जल्दी कोई आ नहीं पाए। और ये सब झरोखा था, तो ये बाथरूम था इतना बड़ा उस जमाने का, ये बाथरूम है। तो अभी हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं। और ये देखिए काफी झुक के जाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा, कोई फर्क से आ नहीं सकता, देखिए जल्दी कोई आ नहीं सकता। ये देखो कितना झुक के आ रही है। और ये यहाँ पे ये तो एक दरवाजा है इधर से है इधर, और जो तालाब दिखा है इसके पीछे एक तालाब भी है, लेकिन इसके बाद एक और है यहाँ से, इसके भी नीचे अगर जाएंगे तो एक भूलभुलैया टाइप मिलेगा। लेकिन पहले बाहर की ओर चलते हैं, बाहर देखते हैं। तो भूलभुलैया देखना होगा बाहर से, देखिए इसका लुक क्या है। ये सब जगह पे दरवान हुआ करते थे ताकि कोई अंदर ना देखे। और वो बाथरूम का वो है, वीडियो बना रहा है। और वो जगह पे तालाब है, अब जो तो वहाँ पे तालाब है। तो आइए हम लोग इसमें अंदर चलते हैं और इसका अंदर का देखते हैं, क्योंकि अंदर एक अजीब तरह का भूलभुलैया है, इसमें भी काफी नीचे जाना पड़ेगा। ये देखे दोस्तों, अभी जो हम लोग इधर से अगर कोई आएगा तो जल्दी पता नहीं चल जाएगा पाएगा कि उधर से कोई रास्ता भी, कोई बाथरूम भी है। तो इस टाइप से वो बनाया गया था स्वागत तिरछा निराज। और ये पता नहीं ये क्या था, ये छुपने का शायद जगह हुआ करता था ऊपर। ये देखिए जिस तरह से ये हमारे टीम मेंबर खड़े हैं उस तरह से वो छुपने का जगह था। तो आइए एक चीज आपको दिखाता हूँ, बहुत ही अच्छा जगह है जिसको मैं बैक कैमरा से आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये एक तरह का भूलभुलैया है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें भूलभुलैया क्या है, आप देख सकते हैं कि ये जो आगे है आगे जाके रास्ता बंद हो गया है। लेकिन मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा, आगे बहुत लंबा है ये इसी तरह से, और रास्ता कैसे दिखेगा अगर ये इसलिए बनाया गया था अगर अचानक से आक्रमण हुआ और कोई अनजान सेना आके आक्रमण कर रही है और इधर से कोई भाग रहा था, उसे पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ गया। जब वो इसके अंदर जाएगा तभी पता चलेगा, क्योंकि दूर से देखने से वो आगे दीवार दिख रहा। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ।
तो ये देखिए दोस्तों, ये था, इसको मैं पीछे से आपको दिखाता, फिर यहाँ से ये रास्ता दिखा। अभी मैं आपको पीछे से एक चीज दिखाता हूँ, ये अलग रास्ता है, वो अलग रास्ता है। अगर आप यहाँ तक आएंगे तो आपको रास्ता नहीं दिखेगा, लेकिन थोड़ा सा आगे जाने के बाद फिर से साइड में रास्ता दिखेगा। ये उस समय का इन लोगों का वो था, और फिर से ये उसी तरह से आगे काफी लंबा है। मैं आपको ये पूरा दिखाता हूँ कहाँ तक ये जाता है। देखिए दोस्तों, मरम्मत का काम चल रहा है, और ऊपर जो आप देख रहे हैं ये सब खिड़की है उस जमाने का, ये सब उस जमाने का खिड़की है। और इसके नीचे जो है 3-5 तल और था, तो वो मैं बताता हूँ उसके बारे में। तब तक ये देखता हूँ ये क्या है। छोटा सा एक रूम है, या तो राजा का, रानी का, किसी का भी हो, छोटा सा रूम है। और सामने ऊपर नहीं दिख रहा, उसमें भी जाके देखते हैं उसमें क्या है। ये देखिए, तब तक आप बनावट इसका, अंधेरा काफी है जिसके कारण से दिख नहीं रहा है ठीक से, तो इसलिए छोटा छोटा करके दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये गुफा का शायद रास्ता है, और ये गुफा का शायद रास्ता, यहाँ पूजा वगैरह होता है, तो ये काफी अंदर तक है। मैं कोशिश करता हूँ अंदर तक आपको दिखाने का, मैं कैमरे को अंदर तक डाल के देखता हूँ कहाँ तक जा सकता है, और आप देखिए अंदर क्या है, कितना दूर तक देख सकते हैं। ये गुफा है, और ये देखिए इसका बनावट, अचानक से अगर कोई आए तो जल्दी पता भी नहीं चलेगा कि गुफा है, क्योंकि रास्ता हमारा यहाँ पे रूम और यहाँ पे गुफा है, यानी कि ऐसा हो सकता है कि ये कोई इम्पोर्टेंट लोग का रूम है जिसके बगल में गुफा है, जिसके कारण ये डायरेक्ट यहाँ से भागा जा सकता है। तो मैं इसको कैमरा अंदर करके देखता हूँ कहाँ तक जा रहा है, और अंदर कितना दूर तक देख सकते हैं वो अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये गुफा, ज्यादा अंदर तक जूम नहीं हो पा रहा है, लेकिन काफी अंदर तक है। दौड़ते हुए आए हैं, ये पूरा इंड से लेके पूरा स्टार्टिंग तक है, और ये सब दरवाजा जो है आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये सब पे दरवान रुके रहते थे दो करके, और ये बहुत पीछे से अभी हम लोग इसके अंदर से दौड़ते हुए आए हैं। ये बहुत दूर में है, इसके अंदर से बहुत दूर में है, तो हमारा टीम मेंबर भी काफी थक गया, ये इन्होंने अभी ज्वाइनिंग किया हम लोगों को। ये नेपाल से आया है, हमारा वीडियो देख देख के याद हम लोग के साथ आए हैं वीडियो बनाने। तो अभी ऊपर का दिखा ही दिया हूँ, और देखते हैं जो जो कुछ दिखता है दिखाते रहते हैं आप लोगों को, तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके, और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, और ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी तरह के वीडियो बनाते रहते हैं, आइए आगे चलते हैं। तब काफी जगह टूट गई है दोस्तों, आप देख सकते हैं, पता नहीं क्या था, ये सब टूट टूट के खत्म हो गया है। और वो जो गुफा है, वहां से गुफा जाने का रास्ता था सुरंग, और अभी तो बंद हो गया है, अभी उसके अंदर ले चल के आपको दिखाते हैं। और ये सब तो टूट गया है काफी, तो ये देखिए अभी हम लोग आ गए हैं, तो ये सुरंग है यहाँ पे इधर, और मैं टीम मेंबर फोटो भेजी है, ये सुरंग है इसको, जिसको सरकार ने बंद कर दिया है, ये देख सकते हैं अंदर, सरकार ने इसे बंद कर दिया है, और ये रास्ता काफी दूर तक जाता था। तो यहाँ पे भी आपने कुल मिला के, इससे मिला के 3 सुरंग में हम लोगों ने आपको दिखाया है, तो
बहुत कम लोगों को शायद पता होगा तलातलगढ़ में तीन सुरंग है, तो हम लोगों ने आप लोगों को वो दिखाया, ये सुरंग और इसके बगल में और एक ऊपर, तो टोटल तीन सुरंग आप लोगों ने देखा है। तो दोस्तों मिलते हैं, जो असली गुफा था, जो मेन गुफा था, वो गुफा ये था जिसे सरकार ने बंद कर दिया है। ये देखिए ऊपर बैन हो गई, ये बैन कर दिया गया है क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग आए थे रिसर्च करने, और मतलब ऐसा कहा जाता है कि जो इसमें गए हैं वो फिर वापस नहीं आ पाए, तो इस कारण से सरकार ने बैन कर दिया है। ये असली गुफा था और युद्ध के समय राजा यहाँ से जाते थे, भागते थे, और इसी गुफा से जो यहाँ के राजा थे तो वो लोग यहाँ से भागे थे जब अंग्रेजों ने आक्रमण किया था तब। तो ये वही गुफा है और उनका भी आज तक पता नहीं चला, पता नहीं ये गुफा कहाँ कहाँ निकलता है। बहुत से मान्यता है, कोई बोलता है दिखो, कोई बहुत जगह बताता है, कोई कारेंगर बोलता है कि कारेंगर यहाँ से रानी जाती थी और ये कारेंगर में जाके वहाँ पे यही सब अंदर अंदर वो लोग जाते हैं चुपके से, और कोई बोलता है यहाँ से शिव मंदिर या ये जयसागर मंदिर जाके यहाँ पे निकलते थे। तो कंफर्म नहीं कहा जा सकता है कि ये गुफा कहाँ पे जाता था, लेकिन इतना है कि यहाँ पे बहुत सारे रिसर्च करने वाले हैं और वो गायब हो चुके हैं, और इसके अंदर जो तीन टल और था शायद ये वहाँ भी जाता हो या कहाँ, क्योंकि वो भी रास्ता हम लोगों को नहीं मिला है तो उसके बारे में भी नहीं बोल सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन बजा के ताकि आने वाला वीडियो आप लोग का नोटिफिकेशन मिले। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए।